याद आया? कोई बात नहीं, हो सकता है दिमाग से निकल गया हो। मैं कल ही पाकिस्तान से आई हूँ। अच्छा, आप पाकिस्तान से आई हैं? जी। आइए बैठिए। जी। चलो अच्छा हुआ, पाकिस्तान जाने का एक बहाना तो मिला, वरना ये तो हमें कहीं लेकर जाते ही नहीं। मैं आपके घर जरूर आऊंगी। हाँ जी जरूर। वैसे आप ठहरी कहाँ हैं? भाईजान, हमारे रिश्तेदारों की यहाँ कोई कमी है क्या? कमी कैसे होगी, दिल्ली और पाकिस्तान में फर्क ही कितना है, सिर्फ सरहद का। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप चाहें तो यहाँ ठहर सकती हैं। जी मैं भी वही सोच रही थी, लेकिन मैं जिस काम से यहाँ आई हूँ उसके लिए वहाँ रहना बहुत जरूरी है। आरिफ भैया के घर से वो जगह नजदीक है। आप मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए। जी जी जरूर, 10th सफदरजंग रोड। हेलो। हेलो, मैं आबिर। आबिर कहाँ हो तुम? तुम्हारी तो कोई खबर ही नहीं है। क्या करूँ, बिलाल के माँ बाप को ढूंढने में इतनी बिजी हो गई कि कुछ याद ही नहीं रहा। सच, ये तो बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम है नहीं, था। मतलब? डॉक्टर, मैंने बिलाल के माँ बाप को ढूंढ निकाला। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, क्या तुमने उनसे सारी बात की? जब वहां पहुंची तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या कहूं कैसे कहूं। फिर किसी तरह सिचुएशन को संभाला मैंने। तो क्या तुमने बिलाल के बारे में कुछ भी नहीं कहा उनसे? हाँ, इशारों में बिलाल के अब्बू को मिलने के लिए कहा, अपना एड्रेस देकर आई हूँ, बस मुजीब के आने का इंतजार है। और बिलाल की माँ? वो शायद मुजीब की, पता नहीं, कुछ समझ नहीं पाई मैं। क्या तुम्हें लगता है कि वो हमारी मदद कर पाएंगे? पता नहीं, ये तो उसे मिलने के बाद ही पता चलेगा। आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। तमाला, न जान न पहचान, आपका मेरा क्या वास्ता? वास्ता तो बहुत गहरा है। हाँ, आप उसे जरूर बेखबर हैं। बेखबर? ये आप क्या कह रही? किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? एक बच्चा जो बाप रहते हुए भी यतीम हो गया। ये सब आप मुझे क्यों सुना रही हैं? दुनिया में सिर्फ आप ही वो शख्स है जो उस मासूम की जान बचा सकते हैं। कौन मासूम? किसकी जान? आपका अपना बच्चा, जिसे आप यतीम खाने में छोड़ आए थे अपनी बदनामी से बचने के लिए। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? हकीकत बता रही हूँ। देखिए, मैं यहाँ आपसे बहस करने के लिए नहीं आई हूँ। आपका बेटा जिसे मैं पाल रही हूँ, वो एक ऐसी बीमारी का शिकार हो चुका है जिसे बचाने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। देखिए, उसे बोन मैरो कैंसर है। अगर आपके दूसरे बच्चे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो शायद हम उसे बचा सकते हैं। देखिए मोहतरमा, आप सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रही हैं, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरे बिलाल को बचा लीजिए। बस कीजिए, क्या आप मेरा घर बर्बाद करने आई हैं?
और खबरदार आइंदा मेरे घर की तरफ आई तो समझी। जो आदमी अपने बच्चे को यतीम कर सकता है उसे हम क्या उम्मीद करें। लेकिन हम ये सोचकर हाथ पर हाथ रखे बैठ तो नहीं सकते। अरे मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर कुछ तो सोचो। इस आदमी को ग्रिप में लेने के लिए हमें कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, कुछ ऐसा प्लान करना पड़ेगा कि ये खुद ब खुद हार मान जाए। वो आदमी बहुत जिद्दी है, बिलाल के लिए कुछ करना तो बहुत दूर की बात है, कुछ सुनना नहीं चाहता। डेढ़े लोग सीधी बात नहीं समझते, ऐसे लोगों को उनकी ही तरह समझाया जाता है। मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है। इस आदमी को रास्ते पर लाने के लिए हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, और आपको तो शायद पता ही होगा घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। कौन है? कोई नहीं। आप यहाँ क्यों आई हैं? आपकी नाक को हमें बदलने के लिए। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो मैं मजबूरन आपकी बीवी से आपके और आपके बच्चे के रिश्ते के बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा। प्लीज प्लीज देखिए, आप ऐसा कुछ मत कीजिए वरना मेरी बसी बसाई जिंदगी उजड़ जाएगी। मेरी जिंदगी उजाड़ के आपको क्या मिलेगा? उजाड़ना कौन चाहता है? हम कतई ऐसा नहीं करना चाहते, बल्कि आप हमें मजबूर कर रहे हैं। तरस आता है उस बच्चे पर जो अपने बाप के रहते हुए भी यतीम हो गया है। बस कीजिए, बस कीजिए, मैं और नहीं सोच सकता। हाँ वो बच्चा मेरा है। मैंने और जब उसकी माँ ने शादी का इरादा किया तो उस वक्त हालात कुछ ऐसे पैदा हो गए कि हम दोनों की शादी नहीं हो सकी। इस दौरान तबस्सुम भी हमला हो चुकी थी। मैं डर गया, इससे पहले कि दुनिया वाले मेरे बच्चे को नजायज समझे मैंने उसे यतीम खाने दिया। लेकिन इसमें उस बच्चे की क्या गलती है? आज उसे आपकी जरूरत है। मैं उसकी बीमारी के बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ। मैं समझता, लेकिन ये जानता हूँ कि मेरी बीवी इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होगी। जिस तरह वो आपका बेटा है ठीक उसी तरह बिलाल भी आपका बेटा है, और आपकी बीवी राजी हो या ना हो इसे क्या फर्क पड़ता है? आपका अपने बच्चे पर पूरा हक है। देखिए आप मेरी बीवी को नहीं जानते, उसे अगर बिलाल के बारे में पता चल गया तो वो जानबूझकर उस बच्चे को मार डाले। आपने तो हमारे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए। देखिए इस मामले में मैं आपको कोई मदद नहीं कर सकता। अब कुछ और रास्ता निकालना। I can't help you. Sorry. सुनील, सुनील। Hmm.
मुझे भी ने तो हमें मुश्किल में डाल दिया। पहले हेल्प करने के लिए राजी नहीं था और अब जब तैयार हो गया तो अपनी मजबूरी को सामने लाकर रख दिया। बड़ा अजीब आदमी है, यहाँ इसके बेटे की जान पर बनाई है और वो है कि अपनी बीवी से डर रहा है। लेकिन आरिफ, हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। बिलाल के पास वक्त बहुत कम है। अबीर, मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब हमारे पास एक ही रास्ता है। क्या हुआ? हमारा मुन्ना। क्या हुआ उसे? वो यहाँ नहीं है। घर से बच्चा गायब होने का मतलब ये हुआ कि आप लोगों की किसी से दुश्मनी है। जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे ख्याल से तो हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। देखिए, ये आपका सोचना है। दरअसल दुश्मन के चेहरे पर दुश्मनी लिखी नहीं होती है, उसकी हरकतों से उसकी पहचान होती है। अब आप लोग ये सोचिए कि आपका दुश्मन कौन हो सकता है। इंस्पेक्टर साहब, हमारे लिए तो सोचना बहुत मुश्किल है। जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी नजर में कोई भी ऐसा नहीं है जिस पर इल्जाम लगाया जा सके, वो भी महज शक की बिना पर। देखिए, कभी कभी शक यकीन के चेहरे पर सामने खड़ा हो जाता है, इसे आप लोग पहचान नहीं पाते। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि हम किस पर शक करें। खैर, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों की कंप्लेंट लिख लेता हूँ।
खैर बच्चे की उम्र क्या है? जी एक साल। एक साल। बच्चे की तस्वीर आपके पास? जी दिखाइए। ओके एड्रेस क्या है? जी बंगला नंबर 27 नायाब हाउस 10th क्रॉस रोड। ओके देखिए कंप्लेन तो हमने लिख ली है, आप लोग परेशान मत होइए, बाकी हम जल्दी पता लगा लें कि ये हरकत किसकी है। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। नहीं रुको बच्चा, नहीं अरे राजू होता नहीं रहता बस 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 नहीं रोते बेटा इतना मेरा मुन्ना बेटा। ओके नहीं रोते बच्चा, नहीं अरे राजू होता नहीं रहता बस 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 नहीं रुक बेटा इतना मेरा ओके बस 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 नहीं अरे कैसी माँ हो तुम? नहीं मेरा बेटा। बच्चा रोए जा रहा हो तुम हो कि बातों में बहला रही हो? नहीं मेरा बेटा। इसे भूख लगी होगी, दूध पिलाओ इसे। नहीं मेरा मुन्ना क्यों रो रहा है? अरे तुम कुछ सुन रही हो? मैं क्या कह रही हूँ? बहरी हो क्या? क्यों रो रहा है? अगर बहरी और गूंगी हो तो आंखें तो दी हैं। नहीं मेरा मुन्ना क्यों रो रहा है? देख नहीं रही क्या बच्चा रोया जा रहा है? और तुम हो कि अरे ये कैसी औरत है? इसका दिल है या पत्थर? हम जैसी औरत का दिल पिघल गया। आजकल की औरतें बस ऐसी ही होती हैं। बच्चे पालना तो जानती ही नहीं, बस माँ बनने के शौक में बच्चे पैदा कर लेती हैं। हेलो मैं अबीर बोल रही हूँ।